बाबा विश्वनाथ और माँ जगदीशिला डोली रथ यात्रा उत्तराखंड के भ्रमण पर है, जिसके चलते ये यात्रा अवंतिका कुंज देवी मंदिर पहुंची, जहाँ भक्तों ने रथ यात्रा का भव्य स्वागत सत्कार किया और बाबा विश्वनाथ और माँ जगदीशिला का आशीर्वाद लिया। हरिद्वार से हर साल जगदीशिला डोली रथ यात्रा निकाली जाती है, जो विभिन्न शक्तिपीठों से होकर गुजरती है। ऐसे में बाबा विश्वनाथ जगदीशिला डोली रथ यात्रा नैनीताल के लालकुआं में स्थित अवंतिका कुंज देवी मंदिर पहुंची। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री हरिश्चंद्र दुर्गापाल, डोली रथ यात्रा के संयोजक पूर्व कैबिनेट मंत्री मंत्री प्रसाद नैथानी समेत मंदिर कमेटी के सदस्यों और श्रद्धालुओं ने डोली का भव्य स्वागत करते हुए पूजा अर्चना कर माँ का आशीर्वाद लिया, जिसके बाद डोली रथ यात्रा अष्टादश भुजा महालक्ष्मी मंदिर से होते हुए हल्द्वानी के लिए रवाना हुई। पूर्व कैबिनेट मंत्री व यात्रा संयोजक मंत्री प्रसाद नैथानी ने कहा कि विश्वनाथ जगदीशिला डोली रथ यात्रा इस वर्ष 24वीं बार उत्तराखंड के भ्रमण पर है। यह यात्रा चारों धाम होते हुए जाएगी। इस यात्रा का उद्देश्य विश्व में शांति और देव संस्कृति को जिंदा रखना और उसके साथ ही चारों धामों के अलावा जो भी शक्तिपीठ है विश्व पटल पर उनका प्रचार प्रसार करना है। मैं सबसे पहले तो अवंतिका मंदिर के समिति के लोगों को धन्यवाद दूंगा, लाल कुआं के लोगों को धन्यवाद दूंगा। ये जो विश्वनाथ जगदीशिला डोली यात्रा है, इस वर्ष 24वीं बार जो है उत्तराखंड के भ्रमण पर है और इस बार ये चार धाम जाएगी, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदार बद्री। इस यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है वो विश्व में शांति का है, दूसरा है जो हमारी देव संस्कृति है वो जिंदा रहनी चाहिए, और तीसरा उद्देश्य ये है कि जो चार धाम हमारे हैं और विभिन्न धर्मों की भी और जो शक्तिपीठ हैं, उनके अलावा उत्तराखंड में बहुत सारे ऐसे शक्तिपीठ हैं, जैसे यहाँ माँ अवंतिका मंदिर है, यहाँ पे ऐसे ही अन्य मंदिर हैं जिनके बारे में लोगों को पता नहीं है, तो विश्व पटल पर उनका प्रचार प्रसार हो और लोग यहाँ ज्ञान प्राप्त करने के लिए आएँ और अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आएँ। लालका के लिए, सब लोगों के लिए जगदीशिला डोली यात्रा मान नेथानी जी के नेतृत्व में यहाँ पहुँची है। मान यात्रा ने सबको खुश रखा है और डोली ने सबको आशीर्वाद दिया है, ये बहुत बड़ी बात है। आशीर्वाद प्राप्त करना ये बहुत ऊंची बात है, इसलिए आशीर्वाद देने का कार्यक्रम यहाँ पर रहा, आगे भी रहेगा। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे, ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।